लोकसभा चुनाव है, ऐसे में कल यानी 25 मई को देश में छठे चरण के मतदान होनी है और झारखंड में तीसरे चरण के मतदान 4 सीटों में होनी है, जिसमें रांची लोकसभा सीट भी शामिल है। सीधे तौर पर यह तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर है मोराबादी मैदान का, जहां पर जितने भी पोलिंग टीम है उन्हें यहां से रवाना किया जा रहा है। भारी सुरक्षा कर्मियों के साथ उन्हें बूथों पर रवाना किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अब पोलिंग टीम है, उनके साथ ईवीएम मशीन को भी रवाना किया जा रहा है, उनके साथ ही ईवीएम मशीन को भी रवाना किया जा रहा है। इसी तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो मतदान कर्मी है वो यहाँ पर है और यहीं से जितने भी कर्मी है उन्हें बूथों पर रवाना किया जा रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से भी विशेष तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। साथ ही जिस तरीके से हमने आपको बताया कि रांची लोकसभा में भी कल ही यानी 25 मई को चुनाव है, इसको लेकर भी पूरी तरीके से जो जिला प्रशासन है रांची की वो पूरी तरीके से अलर्ट नज़र आ रही है। वहीं सुबह से लगातार डीसी की ओर से यहाँ पर जो पोलिंग टीम है उन्हें रवाना किया जा रहा है। वहीं हमने जब डीसी से बात किया तो उन्होंने कहा कि आज तकरीबन शाम 5 बजे तक जितने भी पोलिंग टीम है, जो कर्मचारी है, वो बूथों पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद कल यानी 6 बजे तक बूथों पे वोटिंग को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो जाएगी। और वहीं शाम सुबह 7:30 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आपसे तौर पर आप तस्वीर में ही देख सकते हैं किस तरीके से जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं आपको बता दें कि लगातार यही इसी मोराबादी मैदान से पोलिंग टीम को उन बूथों तक भेजने का प्रयास है वो किया जा रहा है। हमारे साथ रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा है, तो इनसे जानेंगे कि आखिरकार चुनाव को लेकर इनके ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है। सर, जैसे कि कल रांची लोकसभा चुनाव है, तो इस ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? सभी बूथों पर शोर मिनिमम फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट किया गया है। सभी बूथों पर शौचालय, पीने का पानी, हेल्प डेस्क, रैंप, व्हीलचेयर्स, मेडिकल असिस्टेंस इत्यादि को उपलब्ध कराया गया है। आज यहां से सारी पोलिंग पार्टीज़ अपनी ईवीएम मशीन तथा सामग्रियों के साथ अपने निर्धारित वाहन में बैठकर बूथ की तरफ रवाना हो रही हैं। सभी सेक्टर ऑफिसर्स पोलिंग पर्सन को उनके गंतव्य बूथों तक पहुँचाने में मदद करेंगे। कल सुबह 6 बजे मॉक पोल की कार्रवाई प्रारंभ होगी और 7 बजे से एक्चुअल पोल स्टार्ट होगा। 7 बजे से स्टार्ट हुआ पोल 5 बजे तक चलेगा, जिसके बाद सभी पोलिंग पार्टीज़ अपने ईवीएम मशीन्स को पैक करके स्ट्रॉन्ग रूम, जो कि 15 स्थित बाजार समिति में बनाया गया है, वहां पे लाके जमा कर देंगे। रांची की बात करें तो रांची लोकसभा में कितने बूथे हैं, कितने ग्रामीण से आते हैं और कितने शहरी से ये बूथे आते हैं? 2037 बूथ हैं जो रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रांची ज़िले में हैं, जिसमें से तकरीबन 950 बूथ शहरी क्षेत्रों में हैं। सुरक्षा को लेकर क्या विशेष ध्यान रखे जा रहे हैं? सभी बूथों की अपनी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं, उस आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय पुलिस बल, राज्य पुलिस बल, जिला पुलिस बल को मिलाकर सभी बूथों पर डिप्लॉय किया गया है। सर, एक और आखिरी सवाल कि जो वोटर है उन्हें किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? लगातार ज़िले में स्वीप एक्टिविटीज़ जारी है और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, पब्लिक ऑफिसेस, प्राइवेट ऑफिसेस में लगातार जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए हैं। वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बूथ अवेयरनेस ग्रुप घर घर जाकर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और विभिन्न मीडिया के प्रयासों से भी हम सभी लोग यह अपेक्षा रखते हैं कि इस बार एक अभूतपूर्व वृद्धि होगी वोटर टर्नआउट में और सभी लोग कल अपने घरों से निकलकर मतदान करेंगे और अन्य को भी प्रोत्साहित करेंगे।